लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत 13 मई को मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 4 जून 2024 को पीजी कॉलेज खरगोन में की जाएगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के द्वारा 1 जून को कलेक्टर सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और पत्रकारों को मतगणना के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे एस बघेल भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 4 जून को पीजी कॉलेज में मतगणना की जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर स्थित एक कक्ष में विधानसभा क्षेत्र बड़वाह की मतगणना की जाएगी। शेष 5 विधानसभा क्षेत्र बिकनगांव, कसरावद, महेश्वर, खरगोन और भगवानपुरा की मतगणना कॉलेज के प्रथम तल स्थित अलग अलग कक्षों में की जाएगी। मतगणना के लिए मतगणना कर्मी एवं प्रत्याशियों की गणना, अभिवक्ताओं के प्रवेश के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। मीडिया प्रतिनिधि पीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 पर मीडिया सेंटर से प्रवेश कर सकेंगे। जो लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 तारीख को पीजी कॉलेज में होगी खरगोन में, और इसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट करा ली है। जो 4 विधानसभा क्षेत्र खरगोन के जो हैं वो खरगोन के यहाँ होंगे, और 4 जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी बड़वानी में काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो खरगोन में ही होगी। आरओ की प्रेजेंस में 3 ऑब्जर्वर साहब आए हैं, 3 ऑब्जर्वर साहब की प्रेजेंस में सब पूरी घटना होगी ही। जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उनके हमने आई कार्ड्स वगैरह उनकी आधार पर, उनकी जो मांग के आधार पर जारी कर दिए हैं। मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, पोलिंग और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है साधन है वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। साथ साथ में जो पॉलिटिकल एजेंट हैं उनके आने का रास्ता अलग रहेगा और हमारे कैंडिडेट्स का आने का रास्ता अलग रहेगा। ईवीएम की सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद रखी है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी है। सबसे अंदर वाली लेयर में जो पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से आई है, CAPF आई है, वो कर रही है, फिर सशस्त्र बल है और फिर जो लोकल पुलिस है, वो तीनों जो हैं लेयर में वो रखी गई है। मीडिया कर्मचारी मीडिया के जो लोग हैं साथी हैं उनके लिए अलग से कम्युनिकेशन सेंटर्स हमने स्थापित किया है, वहाँ से वो उनको इंटरनेट और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो पाएगा ताकि वो बाकी जगहों पर इस सूचनाओं का प्रदर्शन कर पाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।